आज हम लोग यहाँ सभी अनुदेशक इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि जो हम लोगों को इतने टाइम से जो माननीय मुख्यमंत्री जी हमसे बार बार ये वादा कर रहे थे। सभी नए साल के साथ शंखनाद कर दिया अंकुशकों ने अपने हक और अधिकार पाने के लिए। यहाँ पर एक छोटा सा निवेदन करना चाहेंगे, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, कमेंट जरूर करें। अनुदेशक एक जिंदाबाद, योगी जी वादा निभाओ, 2000 में दम नहीं, नियमितीकरण से कम नहीं, ऐसे नारों के साथ शुरू हो संवैधानिक मांगों का। ये हमारा जो मेन मुद्दा था, हमारी नियमितीकरण को लेकर था, ना तो हमें नियमित करने की कोई मांग की गई, और जो हमारे जो हमें सम्मान राशि उन्होंने प्रदान की है 2000 रुपए, उसे उन्होंने हमें हमारे ही पैसे को वापस कर दिया गया, क्योंकि हमारा जो पहले हमें जो मानदेय मिल रहा था 8000 से 470 रुपए जो हमें मिल रहा था, उसमें से उन्होंने कटौती की गई और दो साल की जो रिकवरी की गई उसे उन्होंने हमें ही वापस उस मानदेय के रूप में दे दिया है। ये उसमें मिला के 500 रुपए और मिला के उन्होंने 2000 रुपए कह दिया है। तो इस तरीके की जो उन्होंने सम्मान राशि हमें दी है, यानी कि हमारा पैसा उन्होंने हमें ही वापस कर दिया, ये हम सभी अनुदेशकों में बहुत ही खुश हैं। और साथ ही हम ये कहते हैं कि 7000 रुपए जो हमें मिलते हैं, और हम जो अंशकालिक अनुदेशक के पद पर हमें नियमित किया गया था, यानी कि भर्ती किया गया था, तो हम अंशकालिक जो अनुदेशक है इसका उनका मतलब होता है कुछ समय के लिए, क्योंकि हम कुछ समय के लिए नहीं है, हमें पूरा समय अपने विद्यालय में देना पड़ता है। और साथ में जो सहायक अध्यापक है, यानी पूरे टाइम कार्य करते हैं, उनके साथ ही हमें पूरा टाइम देना पड़ता है। और 7000 रुपए में आप भी जानते हैं, एक जो मजदूर होता है वो भी 7000 रुपए में अपने घर का खर्चा नहीं निकाल पाता है। इस तरीके से हम लोग जो जितने भी अनुदेशक हैं, किस तरीके से अपना जीवन यापन 9 साल से 7000 रुपए में कर रहे हैं, तो हम बहुत ही एक तरीके से बहुत कम मानदेय पर इतनी बुरी स्थिति में है कि इस चीज़ को हमें योगी जी को समझना पड़ेगा कि अब हमें नियमित करें। साझेदारी मिल रहा है और नाम आने से पहले हमें घोषणा की हुई थी कि 17000 दिया जाएगा, लेकिन योगी सरकार ने हमें तो कोर्ट में ले जाकर कसीद करा दिया है, क्योंकि दो तीन मतलब जगह लखनऊ के हाई कोर्ट से मतलब जगह हमें 9% की ब्याज मिलते हुए हमें मतलब जगह जबकि कोर्ट हमारे फेवर में, उसके बाद भी मतलब जगह सरकार ने हमें 5 साल से नहीं दिया है, इसके बाद भी अब मतलब जगह हमें चुनाव आने से पहले फिर से हमें 2000 की घोषणा दी जा रही है। तो ये बताइए कि हम कैसे विश्वास करें इन पर, मतलब जगह पहले जब 17000 नहीं दिया तो अभी ये 2000 कैसे दे सकते हैं। अगर हमें आगे मतलब मांगे नहीं पूरी कहीं तो हम भूख हड़ताल पर भी बैठेंगे और मतलब जगह आंदोलन भी करेंगे जितना होगा हमें, मतलब अभी मतलब ये नहीं है कि आचार संहिता लग जाएगी, आचार संहिता के बाद भी चुनाव हो जाएंगे उसके बाद करेंगे, लेकिन हम ईद का जवाब पत्थर से देना चाहते हैं। ये माननीय मुख्यमंत्री जी ने 29 दिसंबर 2021 को हमारे मानदेय में एक बहुत ही सम्मानजनक वृद्धि की है, मात्र 2000 रुपए, जिसको वो एक संवाद के माध्यम से हम लोगों को बुलाया गया लखनऊ, और संवाद के नाम पर केवल हमारे सम्मान के साथ खिलवाड़ किया गया, जिसमें मात्र 2000 की वृद्धि की गई, जिसका हम भरपूर जोर से आज आगरा के समस्त अनुदेशक विरोध करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया गया है, जिसमें और हमारी एक ही मांग है मुख्यमंत्री जी से कि 9 वर्ष हम हो चुके हैं, मात्र 7000 रुपए में हम विद्यालय में सुबह 9 से लेकर 3 बजे तक पूर्ण अध्यापन कार्य कर रहे हैं, बच्चों का भविष्य बनाने का कार्य कर रहे हैं, BLO कार्य कर रहे हैं, हम चुनाव की ड्यूटियाँ करते हैं, पोलियो ड्यूटी करते हैं, कोरोना वैक्सीन में ड्यूटी कर रहे हैं, फिर भी मुख्यमंत्री जी को हमारा कार्य नज़र नहीं आता है, केवल हमें 7000 रुपए के मानदेय पर जबरदस्ती हमारा शोषण किया जाता है शासन के द्वारा, प्रशासन के द्वारा, आज उसका भरपूर हम विरोध कर रहे हैं। और मुख्यमंत्री जी से हमारा एक ही निवेदन है कि हमें अब और कुछ मंजूर नहीं होगा, केवल हमें हमारे पद पर नियमित किया जाए। अनुदेशक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। हमने नए वर्ष में सभी को पूरे परिवार सहित शुभकामनाएं दी हैं, उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से, अपनी तरफ से, और इस बात का आश्वासन दिया उनकी जो भी डिमांड्स हैं उनको हम जिम्मेदार जो इसके लिए हैं उनके समक्ष रखेंगे और हर संभव प्रयास करेंगे कि आपकी मांगों को माना जाए, क्योंकि ये अभी कुछ दिनों के बाद चुनावी आचार संहिता आ जाएगी, लेकिन इसको द इंड ना माना जाए। हम क्योंकि गोस्वामी जी ने और हमारे सभी वरिष्ठ लोग हैं, वीरेन जी हैं, अजय जी हैं, हमारे परिवार के सदस्य, हमारे अभिभावक हैं,
और इनके समक्ष इस बात को कह रहा हूँ, आपकी लड़ाई को मैं लड़ूंगा और भरोसा रखिए कि जीत आपकी होगी। देखिए समय लग सकता है, लेकिन आपकी बातों को जिम्मेदारी के साथ में जहाँ भी हो सकता है वहाँ तक पहुँचाऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके कामों को शीघ्र से पूरा किया जाए। और मैं प्रभु से भी प्रार्थना करता हूँ कि आपके कष्टों का नाश करें और हम सबको आशीर्वाद दें।